देवर के वो लोग खड़े हो गए कि जिनकी रात जिनकी किताब जिनकी नजर कुरान और हदीस पर है। शहादतें हुई, मौतें हुई, मारे गए या शाहुल्ला कौन है?
تم لوگ ہجرت کا نام لیتے ہو جھوٹ ہو، تم نے ہجرت کرنے کے لیے تم جان بنا کے واقع ایک ہے آزادی کی لڑائی ہندوستان کا ٹھکانا تقسیم ہوئی تو اس موقع پر کیا کچھ نہیں ہمارے بزرگوں نے کھڑے کھڑے کر کے آواز کی، ہم ہمیشہ کا ہمارے بزرگ بزرگوں کے بزرگ شیخ الاسلام اور ان کے ساتھ ہی سارے سارے لوگ ہیں جنہوں نے آج اس وقت بھی اور آج اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جمعی اندر ماں کھڑی ہوئی اور جمعی اللہ کے جو آتا جو سورما اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا نہیں ملک نہیں چلے گا، ملک تقسیم ہوا تو ہماری بد نصیب کی ہے، اب اگر ہم لوگوں کو یہاں کے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہماری دوسری بد نصیب ہے، کیا ہوگا ملک دستور میں لکھو، ملک قانون میں لکھو، دستور میں لکھو کہ یہاں کا ہمارے ہمارے عزیز بھائی ہیں، ہم ان سے کہہ دیجیے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ملک میں لکھ دو کہ حکم کا حکمران کا مذہب ہو، یہاں مسجد بھی بنے گی، یہاں گرجا گھر بھی بنے گا، یہاں مجھے ہمیں بھولے کام سے یہی تم بھی کہو یہ نہ کہو تم
मुसलमान दहशत गर्द होता है, हम कहें हिंदू दहशत गर्द दहशतगर्द होता है, मैं हिंदू दहशत गर्द कह रहा था। और कहना आज अगर मुसलमान बुराई करने वाले हैं तो 10% अगर हिंदू बुराई करने वाले हैं उनकी तादाद ज्यादा 20% लेकिन बाकी ही यहाँ कर यहाँ आए गए हमारी लैंड लैंड मिलाने के लिए क्यों आए, ये आज़ादी हमारे साथ जमहूरियत हमारे साथ मनाने के लिए क्यों आए, ये इसीलिए आए कि आपको ये बताएं कि नहीं हमारे यहाँ मुल्क फलेगा फूलेगा तरक्की करेगा, लेकिन कब तरक्की करेगा एक मौके पर यहाँ बेदारी की तरफ जाना था, वहाँ से बातचीत हुई कोई अपन स्टेज से उतरा उतरने के बाद गाड़ी में बैठ तो मैंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर भी कौन कहा पंकज कुमार मिश्रा मिश्रा उसकी दाँत गैर कितने दिनों रहा करता था मैं 12 साल मेरा ड्राइवर तो मैंने उससे कहा कहीं गाड़ी रोको मैं पेशाब करूँ पानी नहीं रोको उसने गाड़ी रोकी मैं बहुत बता दिया था मैं यहाँ पेशाब नहीं करूँगा जो हमने कहा अंधेरे में तुमने देखा कि सामने मंदिर है ना यहाँ कौन देख रहा है तो मैंने कहा दिखाने के लिए नहीं ये काम करते हैं हमारा दिल नहीं गवारा करेगा कि किसी की बात बताने का काम में बैठ कर हमारा दिल भी तो नहीं इसकी इजाजत नहीं देते और आगे गए एक जगह मिली वहाँ जाकर के मेरे साथ से हलालत मेरे भाई मैं सिर्फ इसलिए बता रहा कि ये नफरत का बीज दिल में हम कांग्रेस के मुखालिफ हैं हम बीजेपी के मुखालिफ हैं हम दुनिया में किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं मैं साफ कर रहा हूँ हम ये चाहते हैं कि पार्टी वो भी हो तुम्हारी लेकिन हिंदुस्तान का दस्तूर हो गया हिंदुस्तान का दस्तूर ये न हो कि तुम्हारे दौर में तक तो भारत गरीब हो रही तुम्हारे दौर में मुसलमान फूटी को मोहताज है तुम्हारे दौर में मुसलमानों के पास पैसा नहीं बैंक खाली हो गए तुम्हारे दौर में नोट बदल गए तुम्हारे दौर में ये इंसानों का काम नहीं आप जानते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की रातों में घूमते थे यहाँ तो अगर हवाई जहाज पकड़ने के लिए हम एयरपोर्ट पर जा रहे हैं और उधर से हम लोग कोई नेता की आई हुए जहाज से तो सारे रास्ते रोक दिए गए इधर से भी गुजर हुए हैं और उधर भी गुजर हुए हमारा जहाज छूटता और छूट गया हम गली रात की हमने 5 रात का टिकट लिया बताइए अगर जहाज चला गया तो 70 रुपया मैं पैसे भी नहीं वापस होंगे लिहाजा यहाँ से बहुत हो जाए यहाँ से गुजर जाए तो हम आगे हो और नेता जी है नाम आ रहे हैं उसकी किया में जा रहे हैं क्या रहे पुलिस का अब जब नेता जी गुजर गए तो हम लोग हो गया आप हजरात के सामने ये बात आती रहती होगी नेता जी गुजर गए और मदीने ने क्या कहा रात के अंधेरे में अकेले कौन खत्ता आपका बेटा फारूक से आकर आधी दुनिया पर जिसका झंडा लहरा रहा है वो अकेला पैमल वाले खरेले पत्थर वाले हाथ के बनाए हुए कपड़े पहने हुए है इधर से उधर देखा ये बुढ़िया जो है वो चूल्हा जो है और चूल्हे के ऊपर एक प्रतिनिधि रखे थे अगर मौलाना के पास क्या क्या पूरी की दीवान में रखे थे उनका बालू कह रहे क्या हो रहा क्या हो क्या रहा चलिए जी बताओ वो क्या बताएं क्या हमारे बच्चे जल्दी हैं क्या जल्दी खाना पकाओ का खाना था भाई हड्डी क्या पता भाई ये उम्र का कलेजा ये मोरा बोलता साथ बताए मैं ये नहीं कहूँगा इसे बेचारी तो ये बताती कि उसने उसने ये कहा जिसने कंकड़ पत्थर ने डाल दिए हैं वो खोल रहे हैं कब कहना बात आ रहे बच्चे और सुबह हो जाएगी तो देखा जाएगा वहीं बैठ गए और उसके बाद कहा रुक जाओ मैं अभी आपका जल्दी से गए बैतुल माल खोला और बैतुल माल खोल करके अपने खाना सत्तू आटा कुछ तेल सूखा कुछ कीड़ा जो मिला
मेरे भाई बात लंबी हो रही है, मुझे अपनी सफर भी करना है और मैं ये बताना है
کو آزاد کرانے میں تو بہت سارے لوگ بنے, تو ایسے جیسے رسی بنی ہوئی ہوتی ہے, رسی کے جیسے دھاگے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ہندو ہیں, مسلمان ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, وہ لوگ آگے رہے اور انہوں نے ملک کو آزاد کروایا, ملک آزاد ہوا اور یہاں ان سال کا نکال آج ہندوستانی بنا ہوا ہے, اور ان شاء اللہ ایک وقت آئے گا تو اس کو انصاف ملے گا اور یہ بربادی پھیلانے والے برباد ہوں گے اور برباد ہو کر رہیں گے. ایسی صورتحال ملک میں پیدا تو اللہ کو کبھی ان کے دل کا ضرور گوارا نہ ہوگا. یہ چند باتیں جلدی جلدی میں نے کی, ورنہ ہمارے دل کے اندر بھرا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے. اٹھائی برف لالا کس نے اٹھائی, کچھ اٹھائے برف لالا نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن والوں نے مل کر ڈوب لی چلے طوفان میں. پرانی کمریوں نے ترکیوں نے ان غریبوں نے پرانی کمریوں نے ترکیوں نے ان غریبوں نے چمن والوں نے مل کر ڈوب لی چلے طوفان میں. نہیں بھی نند کے دعوے چلی نند آستہ میں خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری, کبھی فرصت سن لینا, بڑی ہے داستان میری.